सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। कहा सिनेमा साढ़े सभ्याचार के कदर कीमतों के कलात्मक प्रगटावे का भी है माध्यम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, SDMF तहत पंजाब यूपी ते गोवा नू 488 करोड़ रुपए जारी करने नू दी गई मंजूरी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय बुलारे राकेश टिकैत ने दिता वड्डा बयान, कहा भाजपा पैसों की ताकत न सारे सियासी दलों कर रही है कमजोर। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नवी दिल्ली विच करवाए गए एक समागम के दौरान वख-वख श्रेणियों विच 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें श्रीमती आशा पारेख नूं दादा साहिब फालके पुरस्कार भी प्रदान किया। इस मौके पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सारे पुरस्कार जेतुओं को बधाई दी। उन्होंने दादा साहिब फालके पुरस्कार जीतने लिए श्रीमती आशा पारेख को भी बधाई दी तो कहा कि उस पीढ़ी दीआं साडीआं भैणां ने बहुत सारिया रुकावटों के बावजूद वख-वख खेत्रां विच अपनी पछाण बनाई है। श्रीमती पारेख का सन्मान अदुती औरत शक्ति लिए भी सन्मान है। राष्ट्रपति ने कहा कि फिल्मा बनाने तो इलावा बेहतर समाज से राष्ट्र के निर्माण में फिल्म उद्योग की वड्डी भूमिका होंदी है। एक ऑडियो विजुअल माध्यम होने करके फिल्मों का प्रभाव कला के दूजे माध्यमों नालों व्यापक है। उन्होंने कहा कि सिनेमा सिर्फ एक उद्योग ही नहीं सगो साडे सभ्याचार ते कदरां कीमतां दी कलात्मक प्रगटावा का माध्यम ही है। साडे समाज नूं जोड़न ते राष्ट्र निर्माण लई एक वधिया माध्यम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र वालों जारी निर्देशों अनुसार राहत गतिविधियां शुरू करने लिए साल 2021-22 उत्तर प्रदेश पंजाब ते गोवा तीन सूबियां नू स्टेट डिजास्टर मिटीगेशन फंड के केंद्रीय हिस्से के रूप में 488 करोड़ रुपए जारी करने नू मंजूरी दी। 15वें वित्त कमिशन दीआं सिफारशां दे आधार ते केंद्र सरकार ने साल 2021-22 तो 2025-26 तक SDMF लई 32,031 करोड़ रुपए ते नैशनल डिजास्टर मिटीगेशन फंड लई 13,693 करोड़ रुपए अलाट किए ने। निवारण फंड स्थानक पद्धर ते कम्यूनिटी आधारित दखल अंदाजी नू शामिल करदे होए राहत गतिविधियां नू लागू करने लई वरत्या जाणा है, जो कि आफतां दे जोखिम नू घटाएगा ते वातावरण अनुकूल बस्तियां ते रोजी रोटी दीआं गतिविधियां नू उत्साहित करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी विच हवा प्रदूषण नू रोकण लई 15 सूत्री सर्द रुत कार्ज योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि सरकार वालों 2020 इलैक्ट्रिक वाहन नीति लियाउण अते 24 घंटे बिजली सप्लाई देन समेत होर कदम चुकन कारण पिछले 4 सालों च हवा प्रदूषण का पद्धर घटिया। उन्होंने कार्ज योजना का ऐलान करदे कहा कि इस साल सरकार 5,000 एकड़ जमीन से पराली के निपटारे लिए पूसा जैव अपघटक स्प्रे का छिड़काव करवाएगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस च कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने लिए 233 एंटी स्मोक गन 150 मोबाइल एंटी स्मोक गन लगाएगी। सरकार ने एक ग्रीन रूम भी बनाया जिस विच 9 विज्ञानिक माहिर होंगे जो स्थिति पर नजर रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय बुलारे राकेश टिकैत ने दोष लाया कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पैसों के जोर से सारे सियासी दलों नूं कमजोर कर रही है ताकि वह इकले देश से शासन कर सके। श्रवास से जाते समय अपने काफले नूं रोक के पत्रकारों नाल गलबात करदिया टिकैत ने सवाल के जवाब च कहा कि यह चाहते हैं कि पूरा विरोधी धिर खत्म हो जाए तो देश च एक ही पार्टी का राज होवे। ये पैसे की ताकत न सारे सियासी दलों नू कमजोर करनगे। उन्होंने कहा कि घट्टो घट समर्थन मुल यानी कि MSP ते कानून लियाउण किसानों नू फसलों की सही कीमत दिवाउण ते
जमीना दी लुट नू लेके किसान देश एक वड्डा अंदोलन करनगे। उन्हें कहा कि देश नू किसान ही बचा सकता है, इसलिए किसानों का संगठन काम करता रहेगा। उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों का भुगतान समय सिर करने की गल कही है, जेकर भुगतान नहीं होया तो किसान अंदोलन करेंगे। पंजाब विधानसभा के सैशन का तीजा दिन से विरोधी धिर वालों किए हंगामे के चलदियां विधानसभा की कार्रवाई सोमवार 2 बजे तक लिए मुलतवी की गई। हंगामे दौरान भगवंत मान सरकार वालों 3 बिल, पंजाब विलेज कॉमन लैंड सोध बिल 2022, पंजाब राज विजिलेंस कमीशन बिल 2022, पंजाब जीएसटी सोध बिल 2022 नूं पास किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब राज विजिलेंस कमिश्नर रद्द बिल 2022 सदन च पेश किया, जिसनों सर्वसम्मति नाल पास किया गया। प्रस्ताव पेश करदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब राज विजिलेंस कमिश्न एक्ट 2020, जिसनों केंद्रीय विजिलेंस कमिश्न एक्ट 2003 की तर्ज से लागू किया जाना सी, गंभीर भटकना का शिकार है। इसलिए सूबा सरकार ने पंजाब राज विजिलेंस कमिश्न एक्ट 2020 का पंजाब एक्ट नंबर 20 नूं रद्द करके पंजाब राज विजिलेंस कमिश्न रद्द एक्ट 2022 लागू किया। माननीय स्पीकर साहब, मैं पंजाब दी स्टेट विजिलेंस कमीशन रिपील बिल जिहड़ा 2022 वह पेश करदा ते प्रस्ताव करदा कि द पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन 2022 ते तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन बिल 2022 तुरंत विचार किया जाए। बहस कोई बिल बोलना चाहता है? ठीक, प्रश्न है कि पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन रिपील बिल 2022 ते तुरंत विचार किया जाए। जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक विच हन ओ हां कहण, जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध उन्हों ना कहण। मैं समझदा हां कि हां पक्ष की जित है, हां पक्ष की जित है, प्रस्ताव स्वीकार होया। विजिलेंस ब्यूरो हैगी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट हैगा, तो लोकपाल हैगा, तो पंजाब पुलिस हैगी है। सो इन सारे मसलों नू हल करने साढ़े कोले इनफ फोर्स भी हैगी है। सो इस करके मैं प्रस्ताव करता हाँ कि द पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन रिपील बिल 2022 पास किया जाए। प्रश्न है कि पंजाब स्टेट विजिलेंस प्रस्ताव पेश किया गया कि पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन रिपील बिल 2022 पास किया जाए। प्रश्न है कि पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन रिपील बिल पास किया जाए। जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हां कह, जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध उन्होंने ना कह। मैं समझता हाँ कि हां पक्ष की जित है, हां पक्ष की जित है, प्रस्ताव स्वीकार होया। ए समा हो चले एक ब्रेक का, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे जिहे ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार वालों पंजाब विधानसभा विच पंजाब गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स सोध बिल 2022 पास कर दिता गया। वित्त योजना आबकारी ते कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने यह बिल सदन च पेश किया, जिसनों भारी बहुमत नाल पास किया गया। सदन च बेबुनियाद रौला पाउण लई विरोधी धिर ते तिखा हमला करदिया चीमा ने कहा कि पिछलियां सरकारां ने सरकारी खजाने की वित्तीय हालत सुधारन लई कोई उपराला नहीं किया। उन्होंने कहा कि हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार ने सारिया खामियां दूर कर दित्तियां ने, जाली बिलिंग बंद कर दित्ती है, जिस नाल ना सिर्फ व्यापारियों नूं फायदा होगा सगों सूबे के मालिए विच भी वाधा होगा। मैं द पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2022 पेश करता हाँ अते प्रस्ताव करता हाँ कि द पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट अमेंडमेंट बिल 2022 ते तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि द पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2022 ते तुरंत विचार किया जाए। इन्ने इंपोर्टेंट बिल पंजाब सरकार वालों आए है, GST का अमेंडमेंट बिल पंजाब सरकार ने दिता, बहस नहीं तुसी कर रहे,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਖਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਖਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪਖਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਖਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਅਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਮਸ਼ੀਲ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੀਬਾ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਭੋਲਾ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੀਤਹੇਅਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਨਾ ਰਘੂਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ, ਅਭੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਅਭੀ ਆਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਨੇ ਥੇ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਆਜ ਸੁਬਹ ਸੇ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਅਭੀ ਕਿਆ ਕਹੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਯਾ ਬੋਲਨੇ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਤੀ ਅਭੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
इंतजाम ने जी, बारदाने का बिल्कुल मुकम्मल होया हो सारा कुछ, साडियां लेबरां तैयार ने, पक्खे साडे तैयार ने, ठेकेदार साडे बिल्कुल तैयार बैठे ने, और साडा तां ऑलरेडी जिहड़ा बासमती का सीजन है वह चल ही रहा है। लिफ्टिंग की प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही जी, लिफ्टिंग की तो साढ़े तीन सीजन तकरीबन हो चुके ने, तिना सीजन के सू लिफ्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आई और उम्मीद है भी इस बार भी नहीं आऊगी। अपनिया हकी मंगा नू लेके संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने धारीवाल विखे जम्मू अमृतसर नैशनल हाईवे जाम करके पंजाब सरकार दे खिलाफ रोस प्रदर्शन किया। इस मौके ते किसान आगुआ ने कहा कि 28 मंगा नू लेके पंजाब सरकार दे नाल मीटिंग की गई सी, बावजूद मामले का हल ना होने कारण अके हुए किसानों ने पंजाब दी 10 जगह से अनमिथे समय लिए धरना लगा के सूबा सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐलान किया कि जेकर उन्हां दी मंगा ना मनिया गई तो वह धरने नू इसे तरह जारी रखेंगे। पंचायत यूनियन पंजाब की अगुवाई हेठ पंचां सरपंचां ने पटियाला विच डीसी नूं मंग पत्र दिता ते अपनियां मंगां पूरियां करन दी मंग कीती। उन्हां कहा कि सरकार उन्हां नूं बणदा मान पत्ता देवे ते उन्हां नूं तंग परेशान ना किया जावे। उन्हां कहा कि जे अजिहा ना किया गया तां उह संघर्ष होर तेज़ करनगे। देखो जी, असी पीसफुल तरीके साड़ी यूनियन भी साड़ा साथ दे रही है ते यूनियन चुंडी वालों भी साड़ा साथ दिता जा रहा है। सो साड़ी तो यह मंग है भी असी पीसफुल तरीके मंग पत्र देना है। जेकर सरकार गुंगी वाली नहीं जागती तो शायद दिवाली नूं सरकार का जलूस निकलना सरपंचा वालों कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदा वालों। असी कलम छोडू हड़ताल भी करांगे और लंबड़दार यूनियन भी लवेंगे ता कि लोगों नूं पता लगे कि सरपंचा नाल की वधीकियां हो रही ने। अमृतसर के इलाके छरेटा के एक मंदिर की गोलक चो पाकिस्तानी नोट मिले ने, जिस से धमकी लिख के 5 लाख की फिरौती मंगी गई है। पुलिस वालों मंदिर के सेवादार की शिकायत पर परचा दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीआरटीसी वर्कर एक्शन कमेटी के मैंबर ने अपनी मंगों लेकर पटियाला के बस स्टैंड के मुख गेट को 2 घंटे लिए जाम करके सरकार के खिलाफ अपनी मंगा लेके पिट स्यापा किया। उथे बस स्टैंड का मुख गेट बंद होने कारण आउंदे जांदे यात्रियों नूं काफ़ी दिक्कत आई और यात्री काफ़ी जद्दोजहद करते नजर आए। बस स्टैंड का गेट जाम करन उपरंत यह पीआरटीसी एक्शन कमेटी के वर्करा ने एक विशाल रोस रैली भी बाजारों विचों कढ़ी। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।